तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक आईएएस ऑफिसर की प्रेरणादायक कहानी के बारे में। हम बात कर रहे हैं ईरा सिंघल। आपने जो फोटो देख रहे हैं ईरा सिंघल जी का है। इनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, हम लोग की जो रीढ़ की हड्डी होती है ये इनकी टेढ़ी है। इनको एक बीमारी है जिसे अस्कोलियोसिस कहते हैं, ठीक ना, अस्कोलियोसिस नाम की बीमारी है इन जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वर्ष 2000 में आईएएस जो कि परीक्षा होती है, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी द्वारा, इन्होंने ये दी और चौथे अटेम्प्ट में पास भी किया और इनको आईआरएस की नौकरी मिली, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। लेकिन यूपीएससी वालों ने इन्हें निकाल दिया, बोला कि आप मेडिकली अनफिट हैं, आप शारीरिक रूप से असक्षम हैं इस नौकरी के लिए, हम आपका चयन नहीं करेंगे। तब इन्होंने हार नहीं माना। सबसे बड़ी बात ये सीख मिलती है कि इन्होंने हार नहीं मानी, यूपीएससी को चैलेंज किया, कोर्ट गए और मुकदमा लड़ी। 4 साल बाद नतीजा इनके निर्णय में आया कि आपको नौकरी देना पड़ेगा और फिर इन्हें यूपीएससी वालों ने इन्होंने नौकरी दी और अभी ये प्राइवेट कंपनियों के उच्च पदों पर आसीन है और काम करते हैं आईएएस के रूप में, ठीक ना। तो समझ रहे हैं, सीख हमें इससे ये मिलनी चाहिए कि कोई आपको कुछ भी कहे लेकिन आपको अगर अपने मन से संतोष नहीं हो रहा है तो आप उसके खिलाफ न्याय के लिए गुहार कीजिए, न्याय के लिए लड़िए, ठीक ना। इससे हमें यह सीख मिलती है ईरा सिंघल जी से। दूसरी सीख क्या मिलती है कि आपकी रीढ़ की हड्डी उनकी टेढ़ी थी, फिर भी उन्होंने आईएएस का परीक्षा दिया। तो आपके अंदर कमजोरी जो भी हो आपको कुछ नहीं डरना है, गरीब है कुछ भी है, ठीक ना, आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। मुसीबतों से डरना नहीं है, मुसीबतों से लड़ना है। ये चीज़ हमें ईरा सिंघल जी से सीखनी चाहिए। बस ये छोटी सी नॉलेज की वीडियो आज आपके लिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। पढ़िए, अपने धांक के लिए लड़िए, देश को आगे बढ़िए और खुद भी आगे बढ़िए।